जो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जा सकता है। इस संविधान में इस बात की बहुत सिंसियर कोशिश की गई थी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो इस मुल्क की असली खसूसियत है वो न सिर्फ ये कि बरकरार रहे बल्कि परवान चढ़े और हर सोशल रिलीजियस लिंग्विस्टिक यूनिट को पूरी आज़ादी के साथ तमाम राइट्स मिलते हुए वो यूनिट तरक्की करे और देश एक बहुत पुरअम समाज को बनाकर दुनिया के सामने एक नमूने के तौर पर पेश कर सके। ये बात बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसर्न के लायक है कि हमारी मौजूदा सरकार जब से आई है, ख़ास तौर पर 2019 के बाद, ये एक के बाद एक ऐसे कानून बना रही है अपनी पार्लिमानी मेजॉरिटी के गुरूर और अहंकार के सहारे, जो कानून देश के संविधान के ख़िलाफ़ हैं और जिससे कॉरपोरेट फैसिज्म, मैं चाहता हूं कि ये वर्ड बहुत गौर से सुना जाए और नोट किया जाए, एक कॉरपोरेट फैसिज्म का राज हो इस देश पर, जिसकी सबसे ज़्यादा भयानक और लेटेस्ट मिसाल ...2020-21 में पार्लियामेंट में पास किए गए फार्मर लॉज हैं और लेबर लॉज हैं। हम यहाँ किसान आंदोलन के तमाम लीडरों को और संयुक्त किसान मोर्चे के तमाम रहनुमाओं को सैल्यूट करते हैं कि जिन्होंने सख्त कठिनाइयों को, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके और बड़ी कुर्बानी देकर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, और वो ये है कि इस आंदोलन के नतीजे में देश का जो असली एजेंडा है वो सरफेस पर उभर कर आ गया है। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता कि हमारे देश का असल एजेंडा और रियल इश्यूज़ ये मंदिर मस्जिद नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। हमारे देश का असल मसला है गरीबी का, बेरोज़गारी का, नॉन एम्प्लॉयमेंट का। कोई घंटा ऐसा नहीं गुजरता हमारे देश में जिसमें किसी महिला या किसी लड़की को रेप में किया जाता हो, किडनैप में किया जाता हो, इज्जत में लूटी जाती। हमारे देश का मसला है महिलाओं की सुरक्षा का, माइनॉरिटीज़ को उनके अधिकारों के मिलने का। हमारे देश का मसला है जस्टिस एंड पीस का, कि सबको इंसाफ मिले, सस्ता इंसाफ मिले, जल्दी इंसाफ मिले। लेकिन इन सब रियल इश्यूज़ की तरफ से देशवासियों का ध्यान हटाने के मकसद से और कुछ पूंजीपतियों की जेब में पूरे देश का सरमाया डाल देने के नापाक इरादे से ये सरकार हर कुछ दिन के बाद ऐसे मुद्दे उठाती है जिससे देश का ध्यान बढ़ जाए और लोग रियल इश्यूज को एड्रेस करने के बजाय वो आपस में ही लड़ते रहें, उलझे रहें। और जो लोग इस देश को बेच देने का फैसला कर चुके हैं, जो इंडिया फॉर सेल के सबसे बड़े मार्केटिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहें और लोग उलझे रहें दूसरी चीज़ों में। किसान आंदोलन में
इसमें कोई शक नहीं कि इतनी कामयाबी हासिल कर ली है कि देश के इंसाफ पसंद लोगों के लिए, जिनकी आज भी मेजोरिटी है इस देश में, उनका ध्यान असली इश्यूज की तरफ फिर से मुड़ गया है। यही मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल थी जिसकी वजह से पिछले साल 2020 फरवरी में इसी दिल्ली में मुख्तलिफ मजहबी समाजी इकाइयों के रहनुमा जमा हुए। क्रिश्चियंस भी थे, सिख भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, लिंगायत के रहनुमा भी थे, ओबीसी के रहनुमा भी थे, एससी एसटीज के लोग भी थे, माइनॉरिटीज़ के नुमाइंदे भी थे, और उन्होंने एक लंबे विचार विमर्श के बाद संविधान सुरक्षा आंदोलन के नाम से एक आंदोलन का आगाज किया, एक तहरीक शुरू की। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से उस पूरे उन महीनों में जितनी एक्टिविटीज इस आंदोलन की आगे बढ़ जानी चाहिए थी उसमें बहुत कमी हुई। ज़मीन पर बहुत कम कोशिश कर सके हम लोग, लेकिन एक दूसरे से बराबर संपर्क में रहे और बराबर विचार विमर्श करते रहे, जहां जिस तरीके से मुमकिन हुआ मजलूमों की मदद करना और मजलूमों को इकट्ठा करने का काम, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने का काम, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का काम और संविधान की सुरक्षा का सबसे अजीम काम, वो अंजाम देने की कोशिश की जाती रही। अब जबकि थोड़ा सा रास्ते खुले तो फिर ट्रैवलिंग शुरू हुई, इधर उधर जाना शुरू हुआ। संविधान सुरक्षा आंदोलन का एक डेलीगेशन आज सुबह ही पंजाब की दौरे से वापस आया है और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ये डेलीगेशन श्रोमणी अकाली दल के जो सबसे बड़े ग्रंथी हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह दरबार साहब के जो जत्थेदार हैं हरमिंदर सिंह के, उनसे भी हमारी बहुत लंबी मुलाकात रही। उन्होंने अपने घर पर हमको बुलाया और सुबह से शाम तक हमारी उनके साथ मीटिंग रही। उसके बाद हम फिर फतेहगढ़ साहब के गुरुद्वारे के जो ग्रंथी हैं जत्थेदार हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, और इसके अलावा यूथ जो सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नुमाइंदों से भी बातचीत हुई। और ये पैगाम लेकर हम आए हैं कि पूरा पंजाब का समाज, पूरा सिख समाज संविधान सुरक्षा आंदोलन के साथ है। आज उनके एक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर होना था, लेकिन आज सुबह ही किसी ख़ास कारण उनकी तरफ से ये इत्तला आई कि शायद वो टाइम पर न पहुँच सकें। उन्होंने हमको इस बात की इजाज़त दी कि हम उनकी तरफ से भी ये पैगाम आप सब के ज़रिए से पूरे मुल्क और कौम को पहुँचा सकते हैं। जितने कानून अगर आप गौर करें तो जितने कानून पिछले दिनों में बने हैं, वो चाहे CA, NRC, NPR हो, और अब तो सेंसस के ज़रिए से NPR की कार्रवाई करने की एक इंतहाई बेईमानी की चाल चले जाने की खबरें भी आने लगी हैं, और चाहे वो एंटी फार्मर लॉज हो, अगर आप उन फार्मर कानून को ठीक से पढ़ेंगे तो सच्ची बात यह है कि हैरत होती है कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसको पास होने दिया। शायद ये समझा जा रहा था कि किसान लोग इलिटरेट हैं, बेपढ़े लिखे हैं, वो समझ भी नहीं पाएंगे। क्या ये लोग ये बात नहीं जानते कि इन किसानों के हजारों बच्चे इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूके में, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में हायर एजुकेशन पा रहे हैं,
और उनमें से सैकड़ों और हज़ारों वो हैं जो हायर एजुकेशन पाने के बाद वहाँ सेटल होने का फैसला नहीं करते। मैं उनमें से कई सौ नौजवानों को जानता हूँ, वो ये संकल्प लेकर जाते हैं कि हम वापस आएंगे और अपने देश में ही रहेंगे, यहीं की सेवा करेंगे, और एग्रीकल्चर ही में लगे हैं उनमें से हज़ारों लोग। चुनांचे उनको तो शायद एक घंटा भी नहीं लगा इस कानून के पास होने के बाद, इस कानून की ख़तरनाकी को समझने में, और चुनांचे वो आंदोलन जो आज तक आज़ादी के आंदोलन के बाद से सबसे बड़ा आंदोलन है, जो अब किसान आंदोलन से आगे बढ़कर जन आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर रहा है। पूरे देश में हर तरफ से किसान भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और हम भारत के रहने वाले तो सब किसान ही हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक एकेडमिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कई नस्लें हमारे ख़ानदान की बड़े स्कॉलर्स हैं, लेकिन किसी ने कभी खेती नहीं छोड़ी। आज भी हमारे कज़िन्स खेती करते हैं, आज भी हमारे चचा, हमारे अंकल, कितने लोग हैं जो किसान हैं, और हमें फ़ख्र है इस बात का कि हम किसान हैं। और इस तरह हमने से हर एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वह एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए देश का ज़मीर, उसका कॉन्शियस इस आंदोलन की अपील को कबूल कर रहा है। तो ये फिर आप एक सिंपल सी बात सुनिए, कहा जाता है कि MSP था, है और रहेगा, लेकिन जब कहा जाता है कि जब था, है और रहेगा, तो फिर आप कानून क्यों नहीं बनाते? तो कहा जाता है कि आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए। अब इन जुमलों पर कब तक ये देश विश्वास कर पाएगा? अब तो दुनिया भर में हमारे देश की बदनामी होने लगी। फॉरेन एजेंसीज ये कह रही हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। फॉरेन एजेंसीज, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि यहाँ पर पार्टली डेमोक्रेसी है। क्या इसी के लिए, इसी दिन के लिए हम लोगों ने इस देश को, हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया था? मेरे ख़ानदान के कई लोगों ने आज़ादी की तहरीक में ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी, 10-10 साल जेलों में रहे। कितने लोग हैं जिनको फांसियाँ पे चढ़े, और सिर्फ मेरे ख़ानदान की बात नहीं, यहाँ कौन ऐसा नहीं है जिसका कहीं ना कहीं लिंक जुड़ता है उन लोगों से जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी। हम आपके माध्यम से ये बात सरकार से साफ लफ्ज़ों में कहना चाहते हैं कि ये ना समझा जाए कि ये जनता बेवकूफ़ है। जनता सब समझ रही है, पब्लिक में अवेयरनेस आ रही है। आज अगर EVM को हटा दिया जाए बीच से, तो मैं तो चैलेंज के अंदाज से कहने को तैयार हूँ कि किसी भी चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जीत नहीं सकती। आज आप देख लीजिए कि पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों तक वो खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि हमसे बड़ी गलती हुई, बहुत भूल हुई। वो जाट जो हिंदू जाट थे, जो मुस्लिम जाट थे, जिनके दरमियान एक मिसाली एकता थी, मेरे बड़े भाई चौधरी चरण सिंह के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, बल्कि एडवाइज़र थे इनफॉर्मली। हम लोग छोटे छोटे थे, हम देखते थे कि चौधरी चरण सिंह जी, वो जब UP के चीफ मिनिस्टर थे, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, वो किसी भी दिन सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे अर्ली मॉर्निंग भाई साहब के घर पहुंच जाते थे और कहते थे, हफीज़ यार चाय पिलवाओ, मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी। हमारे भाई साहब ने लिखा है, वो बहुत बड़े उर्दू के जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कई जगह लिखा है कि चौधरी चरण सिंह से बढ़कर सेकुलर लीडर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। चौधरी चरण सिंह ने जाटों को बिल्कुल एक कर दिया था, अपने अपने धर्मों पर चलते हुए लोग देश की तरक्की में लगे हुए थे, लेकिन कुछ गलती और भूल हुई, कुछ फुसलावे, कुछ बहकावे, कुछ लालच, ये सब कुछ हुआ, और जाटों का एक तबके ने कुछ रास्ता बदला, और 2013 के वो भयानक राइड्स हुए जो आप सबको अच्छी जानकारी है, हो सकता है आपने बहुत सोने उसको कवर भी किया हो।
अब फिर से एक मरतबा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जाटों के अंदर अपनी गलती का एहसास जाग गया है और वो सब एक होकर इन कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान सुरक्षा आंदोलन पूरी ताकत के साथ किसान आंदोलन के साथ है और पूरे देश में इसके पैगाम को पहुंचाने के लिए वो एक्टिवली कोशिश कर रहा है, वर्क कर रहा है। जो जितने कानून पास हो रहे हैं एंटी कन्वर्जन लॉज, आप देखिए ज़रा, हमारा इस संविधान की खसूसियत ये थी कि यहाँ कोई भी धर्म अपनाने की आज़ादी थी, बल्कि अपनाने ही नहीं प्रचार करने की आज़ादी थी। ये आज़ादी थी जो हमारे संविधान ने दी थी। पहले एक एक करके स्टेट्स के अंदर ये आज़ादी छीनी गई और अब सेंट्रल लेवल पर, नेशनल लेवल पर इस तरह का कानून बनाया जा रहा है। UAPA हो, सेडिशन लॉ हो, मजाक बना दिया गया है। सेडिशन लॉ तो ऐसी ऐसी चीज़ों पर लागू किया जा रहा है 124A कि जिस पर सारी दुनिया के कानून को जानने वाले लोग, बल्कि छोटे से स्टूडेंट्स भी, उनको यकीन ही नहीं आता कि क्या सरकार की किसी पॉलिसी और नीति पर आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, क्या ये भी देश के साथ गद्दारी है। सरकार और देश ये अलग अलग चीज़ें हैं। कोई भी सरकार हो सकती है, उसकी भी किसी भी पॉलिसी से देश के अंदर कोई भी उससे इख्तिलाफ कर सकता है और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन इस इख्तियार को भी छीना जा रहा है। अभी रास्ते में हमारे ऑनरेबल जस्टिस पाटिल साहब कह रहे थे कि इन मनुवादियों की नीति ये है, इनका प्रोग्राम और पॉलिसी ये है कि हम तुमको न जीने देंगे न मरने देंगे, मरने भी नहीं देंगे, तुम जिंदा रहो क्योंकि हमारे गुलाम के हैसियत से तुम्हारी हमको ज़रूरत है, लेकिन तुमको इज्जत नहीं मिलेगी, हक नहीं मिलेगा, बराबरी नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा। ये वो चीज़ है जिसके लिए हम देश में एक अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं, इसलिए कि हम इस मुल्क के वफादार हैं, इस मुल्क की मिट्टी में हमने जन्म लिया है और इसी मुल्क की मिट्टी में हम दफनाए जाएंगे और हम किसी भी कीमत पर इस मुल्क को नीचे की तरफ जाते हुए नहीं देखना चाहते। हम सब की दिली ख्वाहिश ये है कि ये मुल्क दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और पूरी दुनिया इंसानियत के लिए एक नमूना बने और सिर्फ साइंस से, टेक्नोलॉजी या सिर्फ एक वेल्थ के हैसियत से नहीं, बल्कि मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के लिहाज से भी। इकोनॉमिकली हमारा देश कहाँ पहुँच गया, शर्म आती है ये डेटा देखकर कि हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं, हम नेपाल और भूटान से भी नीचे चले गए। कि देशवासियों को झंझोड़ देना और उन तक इंफॉर्मेशन को पहुँचाना और उन सबको इकट्ठा करना एक डेमोक्रेटिक रूल्स की बहाली के लिए, डेमोक्रेटिक जो कल्चर है हमारे मुल्क का, उसकी वापसी के लिए हम सब का ये फ़र्ज़ है। हम सब उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर हम चाहते हैं कि आपके जरिए सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।